Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Abhijit and I am a BVCNDH internship student. गुजरात स्टेट की जो वेटरनरी BVCNDH के एडमिशन प्रोसेस से काउंसलिंग है उसके रिलेटेड अपडेट्स आ चुके हैं। अगर आप गुजरात स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको BVCNDH में वेटरनरी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर मैं आपको सब कुछ डिटेल स्टेप वाइज में प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ डाउट है क्वेरी से कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर दीजिए, सभी डेली अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले गुजरात स्टेट के और गुजरात स्टेट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई कितने कॉलेजेस हैं, पेमेंट सीट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेजेस का, उस सब कुछ डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले और लास्ट डेट क्या है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है आपको, रजिस्ट्रेशन की फी क्या है उसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात के जो सभी वेटरनरी BVCNDH के जो कॉलेजेस है वो सभी कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अगर आप गुजरात स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और आपने गुजरात की CET देने कंपलसरी है और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन आपको 16 मई से करना है और 30 जून तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको कितने भी मार्क्स हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते स्टेट काउंसलिंग में, वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, ये ऑनलाइन प्रोसेस कौन सी वेबसाइट पर करना है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर प्रोवाइड की है www.kamdhenu-university.net। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात है हमारी कि बैचलर जो वेटरनरी BVCNDH के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है ₹300 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी है ऑनलाइन। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम स्टेप वाइज उसको कवर करेंगे, स्टेप वाइज हम देखेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गुजरात की CET देना कंपलसरी है। नेक्स्ट आप गुजरात के पास, आपके पास गुजरात का डोमेसाइल होना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं हम स्टेप वाइज आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आपको स्टेप बताता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है, कौन से बॉक्स में क्या फिलअप करना है। अगर आपको वेटरनरी की जो काउंसलिंग है गुजरात स्टेट की अगर चाहिए, पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप करके देते हैं, चॉइस फिलिंग भी करके देते हैं, सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपको जो वेबसाइट दी है वहाँ पर आपको kamdhenu-university.net इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास ये अलग सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, फैकल्टी नेम। फैकल्टी नेम में आपको वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री प्लेस कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद और एक विंडो ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी उसमें आपको प्रोग्राम एंटर करना है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन आ जाएगी कि आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पर एग्री करना है और आप इस टर्म सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली एग्री और रजिस्ट्रेशन बन क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी आपके बोर्ड एप्लीकेशन के फॉर्म के रिलेटेड। पर्सनल डिटेल में आपको, अगर आप गुजरात बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपको यस पर क्लिक करना है और अगर आप गुजरात स्टेट के नहीं अदर CBSE और अदर स्टेट के बोर्ड के मेंबर है तो आपको नो पर क्लिक करना है और आपको ऐसे ही फॉर्म फिलअप करना है। पासिंग ईयर आपको जो पास ईयर है आपको वहाँ पर प्लेस कर देना है, ये 12th का है याद रखिए। सीट नंबर, फुल नेम और जेंडर आपको यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो होने वाला है, जो स्टूडेंट है उसका फ़ोटो JPG फॉर्मेट में और साइज़ जो है 5KB से लेकर 200KB तक आपको रखनी है, तभी ये अपलोड होगा। और सिग्नेचर भी सेम वही
आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास जेपीजी फाइल है तो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरेंट का नंबर और आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मदर टंग कौन सी, आपकी बर्थ प्लेस और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर भी, तो इसे जो आपका वैलिड है वो ही यहाँ पर एंटर कीजिए। आपको पूरे काउंसलिंग में यही आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनलिटी और मदर नेम, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने एक ओपन विंडो ओपन हो जाएगी। जो स्टूडेंट अदर बोर्ड के हैं जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, तो उनके लिए नो आपको क्लिक करना है और बाकी प्रोसेस सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल के ऊपर। आगे हम बढ़ते हैं पर्सनल डिटेल्स की तरफ। पर्सनल डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में फिलअप करना है। सीट नंबर आपका जो बोर्ड का है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट नेशनलिटी के बाद मदर्स नेम आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपके जो गार्डियन है तो नो पर आपको क्लिक करना है। पेरेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, पेरेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। आपके फादर का या फिर जो भी आपके मदर फादर का दोनों में से किसी का भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास डोमेसाइल ऑफ गुजरात का डोमेसाइल है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपको हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स का इनकम क्या है, आधार नंबर क्या है पेरेंट्स का, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सभी होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्विक रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड। आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होगा, फर्स्ट स्टेप आपकी रजिस्ट्रेशन की कम्प्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे बैक लॉगिन पेज। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको बैक टू लॉगिन पेज पर जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपका ईमेल और एसएमएस पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ईमेल और एसएमएस आने वाला है उस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको मैसेज में भी और ईमेल एड्रेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप यहाँ से लॉगिन करना है। आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना है, साइन इन करना है। आपको साइन इन करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर आपको जो एसएमएस में और ईमेल में दिया है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पासवर्ड भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, आप साइन इन हो जाओगे। साइन इन होने के बाद आपको करंट पासवर्ड क्या चाहिए, वो आप करंट पासवर्ड क्या है आपको जो एसएमएस में दिया है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड चेंज पासवर्ड करना है। आपको जो इजी पासवर्ड है आप वहाँ पर आपके जो ध्यान में रख सकते हैं आप वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए और कंफर्म वही पासवर्ड आपको सेम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है और सेव कर देना है पासवर्ड। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पर फिलअप करना है, कैसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है सब कुछ यहाँ पर मैंने बताया है। आपका कॉलेज कैंपस सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपके पास जो भी 12th बोर्ड में आपको जो भी हमने पहले देखा वो आपको फिलअप करना है। आपने ऑलरेडी फिलअप किया है तो ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से फिलअप करें। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के ऊपर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पर, ये सेकंड है। तो क्राइटेरिया पर क्लिक करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका लास्ट क्वालिफाइड बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा। कैटेगरी कौन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैटेगरी के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट है एडमिशन क्राइटेरिया जो BVC&EH और हेल्प सेंटर फॉर चेकिंग आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सभी चेक किए जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर चेक किया जाएगा, आप उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्राइटेरिया डिटेल ऊपर आपको सब कुछ डिटेल में फिलअप करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके EWS जो अगर आपके अदर कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ओके, तो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद सब कुछ डिटेल आपको आगे है। नेक्स्ट प्रोसीजर है आपको पोस्टल डिटेल, यहाँ आपका एड्रेस सब कुछ यहाँ पर
अपलोड करना है या फिर आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ पर एंटर करना है। कंट्री कौन सी है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, आपको सब कुछ यहाँ पर एंटर करना है। और परमानेंट एड्रेस सेम ही है आपका, तो टिक मार्क कर दीजिए और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में आपको क्वालिफिकेशन लिस्ट, देर इज़ नो डाटा रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एकेडमिक डिटेल्स में आपको 12th का और 10th का यहाँ पर आपको ऐड करना है। नेक्स्ट, अभी इसको ऐड करने के बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स जो 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, आपको यहाँ पर दिया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिडेशन, मिनिमम मार्क्स आपको होने चाहिए, जो मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि 50% मार्क्स होने चाहिए और 10 और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 47.50% मार्क्स परसेंटाइल होने चाहिए 12th बोर्ड में, वो ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपने सब कुछ डिटेल फिलअप कर, बोर्ड एग्जामिनेशन आपको पूरा फिलअप कर देना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अदर बोर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेंट और मार्क्स एंट्री। सभी मार्क्स यहाँ पर आपको पेस्ट करने हैं, आपको यहाँ पर जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं, आपका जो सीट नंबर है सब कुछ यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, कोई मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हम अदर बोर्ड एप्लीकेंट जो है उसके CBSE बोर्ड वगैरह, उनका भी सेम ही है, जैसे हमारा गुजरात स्टेट का है वैसे ही उनका भी है। अपने HSC बोर्ड और गुजरात CET का भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अटैचमेंट डिटेल, जो आपके अटैचमेंट है यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं, अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सभी स्टूडेंट के डाउट थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देख लीजिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 12th बोर्ड का मार्कशीट, गुजरात CET का मार्कशीट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और ट्रायल सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो यहाँ पर आपको वो चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डोमेसाइल सर्टिफिकेट, जो गुजरात स्टेट के स्टूडेंट हैं डोमेसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वैसे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अदर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और सेकेंड ट्रायल मार्कशीट और थर्ड ट्रायल मार्कशीट आपको अगर आपने पेस्ट किया है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दो कंपलसरी है, HSC मार्कशीट और गुजरात CET का मार्कशीट आपको कंपलसरी देना है। ओके, नेक्स्ट है कूल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे आपको फिलअप करना है यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले चॉइस फिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। टोटल हमारे पास 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी गवर्नमेंट हैं गुजरात स्टेट में, आपको सभी कॉलेजेस को चूज़ करना है। आपके पास कौन सा कॉलेज है उसके आधार से आप चूज़ कर रहे हैं, आपको कौन कौन से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। 5 कॉलेज है, 5 ही को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपके चॉइस फिलिंग यहाँ पर लॉक हो जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग में आपको प्रेफरेंस देना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा चाहिए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। आनंद में ज़्यादा कट ऑफ आता है और बाकी कॉलेजेस में बहुत कम आता है, आनंद के हिसाब से कंपैरिजन में उसका बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए नेक्स्ट है, अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एग्री करना है और सबमिट कर देना है। इजी प्रोसेस है, आपको सब कुछ ये पेजेस जो प्रोवाइड किए जाएंगे इसकी आप प्रिंटआउट निकाल कर रखिए, जब आपका एडमिशन होगा तब आपको ये एडमिशन के टाइम पर ये आपके पास होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन की प्रिंटआउट कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सब कुछ आपने सबमिट किया है, आपके पास ये विंडोज ऊपर आ जाएगी ओके पर। एप्लीकेशन अगर फर्स्ट एक वार्निंग है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिए। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक पूरा फिलअप कीजिए। नेक्स्ट है आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट प्रोसेस में आपको जो फी यहाँ पर दी है 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करनी है, जो BVC&EH की स्टूडेंट में अप्लाई करने वाले। आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, UPI से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं,
आप यहाँ पर एंटर OTP एंटर कर दीजिए और आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट करना है और नेक्स्ट आपको लॉग आउट कर देना है इस फॉर्म को। तो ये हुई सब कुछ डिटेल में, मैंने स्टेप वाइज बता दिया है कि क्या प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस है। अगर आपके कुछ डाउट है, क्वेरीज है, अगर आपको कुछ फॉर्म में फिलअप करना मतलब कोई डाउट आ रहा है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आपको गाइडेंस काउंसलिंग चाहिए तो मैं गुजरात स्टेट के स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं गुजरात स्टेट के लिए। ओके, सभी स्टूडेंट के लिए हमने पेड काउंसलिंग स्टार्ट की है। अगर आप गुजरात स्टेट के स्टूडेंट हो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम फिलअप करके देंगे, सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, सब कुछ आपको इस काउंसलिंग में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पूछ सकते हो या आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर तो पूछ ही सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये वो सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वेटरनरी कॉलेजेस ऑफ गुजरात स्टेट के सभी कॉलेजेस के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आप उसे जरूर चेक कीजिए। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसे जरूर कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।